So, friends, welcome you all. I'm Dr. Gajayan Singh. Today we are going to learn about petroleum, which is very important medicine in our Materia Medica. And we will discuss this medicine especially from Ellensky note. So let's start with the medicine petroleum. Petroleum, its common name is coal or rock oil. सो पेट्रोलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन उसमें कुछ सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपको देखने को मिलेगा स्किन से रिलेटेड जो सिम्टम है देट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक से रिलेटेड सिम्टम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ एक इसमेंटल सिम्टम है देट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सिम्टम तो लेट्स स्टार्ट विद सिम्ट पेट्रोलियम अडेप्टेड टू पर्सन विद लाइट हेयर एंड स्किन ऐसे पर्सन जिनका लाइट हेयर एंड स्किन है जैसे आप यहाँ पर देख सकते होंगे इसमें लाइट हेयर इरिटेबल ऐसा पेशेंट काफी इरिटेबल चिड़चिड़ा रहने वाला होता है झगड़ालू टाइप के पेशेंट होते हैं कुछ लोग होते हैं कि बार बार जा जाके झगड़ा मोल लेते हैं ठीक है तो वह इस टाइप के पे पेशेंट होते हैं क्वेरल टाइप के झगड़ालू डिस्पोजिशन इनका होता है डिस्पोजिशन मतलब उनकी प्रकृति यही होती है कि हर छोटी छोटी बात पे जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेना एक चीज ये होती है कि चलो किसी पे अवॉइड कर लो लेकिन जो इस तरह की इस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं दे आर वेरी लाइक नक्स भूमिका एट ट्रिफल्स हर छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं मुंह फुला के बैठ जाते हैं या अपने आप को ऑफेंडेड फील करते हैं अपमानित फील करते हैं जैसे हो सकता है यहाँ पर बहुत छोटी सी कोई बात हो लेकिन दे फील वेरी मच ऑफेंडेड छोटी सी बात जैसे दोस्तों के बीच कोई छोटी सी बात हो गई उसमें भी ऑफेंडेड फील करने लगे या फिर घर में किसी ने बोल दिया या कॉलेज में किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी हंसी मजाक में तो उससे भी ऑफेंडेड फील करते हैं तो दे आर वेरी मच एज फील ऑफेंडेड एट ट्रिफल्स ट्रिफल्स मतलब होता है बहुत छोटी छोटी बातें लेकर और कौन सी मेडिसिन इसमें है तो इसमें इग्नेशिया है और मिडोराइनम में भी सिम्टम पाया जाता है ईजिली ऑफेंडेड एट ट्रिफल्स विक्स एवरीथिंग हर चीज पे चिढ़ जाना छोटी सी बात पे ठीक है किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कुछ उनका नाम भी कुछ गलत तरीके से ले लिया उसी में चिढ़ गए किसी ने उनको प्रॉपर थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दिया उसी में चिढ़ गए तो एट एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल में इजिली एफेंडेड एंड एट एवरीथिंग एलमेंट फ्रॉम राइडिंग इन ए कैरिज ठीक है कैरिज क्या हो सकता है रेल रोड हो सकता है या फिर कार से अगर कोई यात्रा कर रहा है उसमें शिप में कोई यात्रा कर रहा है उसमें तो इनको एक तरह की एलिमेंट डेवलप होती क्या होता है इनमें कि मोशन सिकनेस जिसे कह सकते हैं जैसे नहीं कुछ लोग सफर करते हैं तो सफर करते समय उनका सर दर्द होने लगता है चक्कर आने लगता है या फिर माउजिया होता है वोमिटिंग भी हो जाती है तो होता है जो कि बहुत सारे लोगों में पाया जाता है कि यात्रा करते समय वो चाहे रेल में हो कार में हो या फिर शिप में हो या फिर प्लेन में हो कहीं पर भी अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को तो आप ये कुछ मेडिसिन है उनके बारे में सोच सकते हैं जैसे कॉकुलस हो गया सैनिकुला हो गया और पेट्रोलियम फॉर द मोशन सिकनेस या कार सिकनेस सी सिकनेस सी एलिमेंट विचार बिफोर एंड ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम थंडर स्टॉर्म के समय इनके सारे एलिमेंट बढ़ जाते हैं ठीक है या उसके पहले या फिर उस समय और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट मेडिसिन है तो इसमें है एक नेट्रम कार्ब फॉस्फोरस सोराइनम और भी कुछ मेडिसिन है जिसमें कि थंडर स्ट्रॉम के समय उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं कैसे जैसे मान लीजिए पेशेंट को अगर कोई हेडक का कंप्लेन है तो वो भी उसका बढ़ जाएगा या अगर उसके इरप्शन है बॉडी में तो देट विल ऑल्सो एग्रीवेट एट द टाइम ऑफ थंडर स्ट्रॉम या उस तरह के मौसम है आंधी तूफान वाला तो इनकी जो कंप्लेन है बढ़ जाएगी जैसे अगर पेशेंट को मान लो कि उसको थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है तो अगर थंडर स्ट्रॉम देखेगा तो घबराहट वगैरह उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसमें कि लव थंडर स्टॉम मतलब जब इस तरह के मौसम होता है खूब डरावना आंधी तूफान वाला मौसम होता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है देन यू हैव टू रिमेम्बर मेडिसिन कार्सिनोसिन एंड सीपिया लव थंडर स्टॉम और एग्रेवेशन सब चीज में हो जाता है थंडर स्टॉम के समय देन नेटन पार एंड सोराइनिक Symptoms appear and disappear rapidly. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है symptoms appear होंगे और disappear सडनली हो जाएंगे क्या मतलब है इसका जैसे मान लो पेशेंट को कोई भी सिम्टम है एकदम से आएगा और एकदम से डिसपियर भी हो सकता है हो सकता है थोड़ी देर रहे फिर एकदम से डिसपियर हो जाए बनाए बनाए फिर थोड़ी देर डिसपियर हो जाए तो इसमें और कौन सी मेडिसिन है तो इसमें है आपका बेलाडोना है और मैकफॉस है

धीरे धीरे जैसे मान लीजिए सर दर्द अभी है तो अभी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है एक घंटे बाद हो गया बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगा और फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया फिर हमारा सिर दर्द ठीक हो गया तो दिस इज द सिम्टम ऑफ प्लेटिनम एंड स्टेनम इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं प्लेटिनम मेटेलिकम और स्टैनम मेट दोनों मेटेलिकम जो है उनमें ये तरह के सिम्टम होता है कि सिम्टम ग्रेजुअली आते हैं और ग्रेजुअली चले जाते हैं अच्छा कुछ मेडिसिन में है कि सिम्टम एकदम से आएंगे या धीरे धीरे बढ़ेंगे और फिर इसके बाद जब अपने पीक पे चले जाएंगे अपने पीक पे होंगे तो सडनली वो डिसपियर हो जाएंगे तो कौन सा मेडिसिन ये होता है कि सिम्टम्स आएंगे और एट द पीक एक झटके में एकदम से सिम्टम चले जाते हैं तो दिस मेडिसिन इज पल्सेटिला ये फीचर सिम्टम की स्पीड या उसकी रेपिडिटी के आधार पे भी आप अपनी को कर सकते हैं तो है, है, मेडिसिन मटेलिकम है, है, अपने हाइएस्ट पीक पे रहते हुए एकदम से डिसपियर हो जाए सिम्टम देन मेडिसिन से अब देखो ये सिम्टम भी बहुत इनका इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग स्लीप या डिलीरियम मतलब सोते समय या फिर डिलीरियम के समय पेशेंट को क्या क्या फील होता है क्या वो इमेजिन करता है इमेजिन हिज वन लेग इज डबल पेशेंट को लगता है कि जो उसका एक पैर है ना वो दो हो गए एक पैर उसका डबल हो गया ठीक है बेड में लेटा है बार बार पैर देख रहा है पैर हमारा डबल हो गया क्या इस तरह से दो पैर क्यों समझ में आ रहे हैं ऐसा दैट अनादर पर्सन लाइज एलोंग साइड ऑफ हिम इन द सेम बेड पेशेंट को ऐसा फील होता है कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ में है सेम बेड में समवन इज लाइंग कोई उसके बगल में लेटा है बार बार पेशेंट ऐसा उसको इमेजिनेशन होगा कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ है उसी बेड में ठीक दर आर टू बेबीज इन द बेड मतलब हो सकता है एक ही बेबी हो लेकिन पर्सन को या मदर को बार बार लगेगा कि जैसे वहां पर दो बेबी हैं एक इधर एक ऐसे करके पेशेंट कंफ्यूज होगा एट द टाइम ऑफ स्लीप और डिलीरियम के समय ठीक है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम ऑफ पेट्रोलियम कि उसको लगता है एक पैर उसका डबल हो गया उसको लगता है बेड में उसके साथ में कोई और लेटा हुआ है और उसको लगता है देर आर टू बेबीज इन द बेड और कौन सी मेडिसिन में सिम्टम है तो दिस सिम्टम इज प्रेजेंट इन मेडिसिन वेली रियाना वर्टाइगो ऑन राइजिंग जैसे ही पेशेंट उठेगा उसको चक्कर आने लगेगा जैसे कि ब्राइनिया में ये सिम्टम होता है वर्टाइगो ऑन राइजिंग वर्टाइगो ऑन ऑक्सीपिट एज इंटॉक्सिकेटेड लाइक सी सिकनेस

और सर में ऐसा लगता है सब कुछ कैसा हो गया है एलाइव एवरीथिंग इन इन देड इज एलाइव और एक चीज फीलिंग होती है ब्रूज एज इफ ऑफ वुड ऐसा लगता है कि जैसा उसका जो हेड है ना वो किससे बना हुआ एकदम नम हो गया और लकड़ी का बना हुआ है ठीक है तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट कि हेड फील एज इफ इट इज मेडअप ऑफ वुड इसमें ऐसा एक सिम्टम होता है एज इफ लोअर लिम इज मेडअप ऑफ वुड देन मेडिसिन इज गैस्ट्रेलजिया है, तो है इनमें मतलब पेट दर्द होगा गैस्ट्रेलजिया प्रेगनेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम मान लो पेशेंट को प्रेगनेंसी है और उस समय उसको पेट से रिलेटेड हमेशा समस्या बनी रहती है पेट दर्द बना रहता है विथ प्रेसिंग ड्राइंग पेन ठीक है एक प्रेसिंग टाइप का पेन या खींचा हुआ जैसा पेन उसको फील होता है वेन एवर स्टमक इज इम्पटी और पेट दर्द उसको कब होता है जब भी उसका पेट खाली है जैसे मान लो पेशेंट ने काफी देर से कुछ खाया पिया नहीं है तो उसका पेट दर्द होने लगता है रिलीव बाय कांस्टेंट ईटिंग और वो जिसका फीलिंग ऑफ इम्पटिनेस है या पेट जो दर्द हो रहा है वो कैसे आराम होता है उसका खाना पीना खाने से आराम होता है तो क्या इसमें सिम्टम हुआ कि प्रेगनेंसी के समय में इसको पेट दर्द होता है प्रेसिंग ड्राइंग टाइप का पेन हो सकता है और ये दर्द कब होगा जब जबकि पेशेंट भूखा है और उसको लगातार खाना खाने से उसका जो पेट दर्द है या फीलिंग ऑफ इमेस है वो उसको आराम होता है रिलीव बाई कॉन्स्टेंट ईटिंग तो और कौन कौन सा इसमें मेडिसिन है कॉन्स्टेंट ईटिंग से जिसमें आराम होता है तो एनाकार्डियम चेलीडोनियम एंड सीपिया अच्छा जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गैस्ट्रेलिया होता है प्रेगनेंसी के समय में ठीक है तो एक मेडिसिन है कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा मेडिसिन है कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें मेडिसिन आपको दो याद रखना है एक है एपोसाइनम और एक है कोनियम ठीक है मतलब यहां पर इनको प्रेगनेंसी के समय अगर गेस्टेलजिया नहीं होके खांसी आने लगे तो आपको यह मेडिसिन याद रखना है एपोसाइनम एंड कोनियम फिर आते हैं इनका डायरिया तो डायरिया क्या है डायरिया येलो वाटरी डायरिया हो सकता है ठीक है गसिंग टाइप का आफ्टर कैबेज दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट वेरी वेरी कैबेज लेने के बाद में अगर इनको डायरिया होता है तो या सावर क्राउड लेने के बाद अगर डायरिया होता है वेरी इंपॉर्टेंट डायरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के समय डायरिया भी इनको हो सकता है स्टॉर्मी वेदर में भी इनको डायरिया डेवलप हो सकता है ऑलवेज इन द डे टाइम तो इसमें डायरिया से रिलेटेड कुछ सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कैबेज लेने से अगर किसी को डायरिया हो जाए क्राउड क्या होता है बेसिकली तो क्राउड इज ए ड्राई लीव ऑफ कैबेज सोक्ड इन सलाइन वाटर मतलब किसी किसी कंट्री में इस तरह से कैबेज को काट के रख लिया जाता है उसको सलाइन वाटर में डुबो के रख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको खाते हैं तो अगर उसको लेने से किसी को डायरिया डेवलप होता है यू कैन थिंक अबाउट पेट्रोलियम प्रेगनेंसी के समय डायरिया हो या स्टॉर्मी वेदर इस तरह का मौसम खराब है और पेशेंट को डायरिया डेवलप हो गया ठीक है तो मेडिसिन पेट्रोलियम डायरिया ऑलवेज इन द डे टाइम हमेशा कब होगा इनको डायरिया कब होगा वो डे टाइम में होगा जैसे अच्छा एक मेडिसिन होती है जिसमें है डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट ठीक है केवल रात में ही होगा या ज्यादातर रात में डायरिया होता है तो कौन सी मेडिसिन होगी डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट तो इसमें मेडिसिन पल्स टीला तो देखिए टाइम से भी आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट एक आता है कहता है कि जब भी उसको डायरिया होता है रात में ही होता है दिन में ठीक है दिन में उसको हो सकता है एक बार दो बार स्टूल के लिए जाना पड़े लेकिन रात में उसको कई बार भाग भाग के जाना पड़ता है तो यू हैव टू थिंक मेडिसिन है और एक आध मेडिसिन है जैसे कि चेलीडोनियम इसमें भी रात में डायरिया होता है और चाइना इसमें भी रात में डायरिया होता है तो दीज आर मेडिसिन विच आर रिलेटेड विद द सिम्टम डायरिया इन नाइट अगर डायरिया डे टाइम में हो रहा है तब कौन सी मेडिसिन पेट्रोलियम तो डायरिया में इसमें दो तीन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ ऑफ स्किन स्किन होल बॉडी बॉडी पूरे के की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है थोड़ा सा छू लेने या टच हो जाने पे उसमें पेन होता है इवन द क्लॉथिंग्स इज पेनफुल मतलब कपड़े से भी उनको क्या हो रहा है यहाँ पे पेन फील हो रहा है स्लाइट इंजरी सुकुरट जैसे नहीं हिपर सेल्फ में होता है साइलिसिया में होता है कि थोड़ा सा भी अगर पेशेंट को कहीं पर इंजरी लग जाए तो सुपरेट हो जाता है वहां पर पस फॉर्मेशन हो जाता है मान लीजिए नॉर्मल थोड़ा बहुत इंजरी हुई किसी के स्किन में कुछ लग गया तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है लेकिन इनका हिपर सेल्फ का पेट्रोलियम का या फिर साइलिसिया का इनका क्या होता है कि वो जल्दी सुपरेशन हो जाता है वहां पर पस बन जाता है और तरह तरह के इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो जाते हैं तो स्लाइट इंजरी सुपरेट हिपर सल्फ एंड पेट्रोलियम स्किन ऑफ हैंड रफ क्रैक्ट इस तरह से देखिए आप रफनेस दिख रहा होगा स्किन ऑफ हैंड रफ टिप ऑफ फिंगर क्रैक एंड रफ ठीक है ये देखिए टिप ऑफ फिंगर यहाँ पर आपको क्रैक दिखाई देंगे एकदम क्रैक होंगे अगर हाथ आप पेशेंट अपना हाथ दिखाएगा तो आप देखेंगे क्रैक है और रफनेस भी होगा हाथ में और स्पेशली क्रैक रफनेस और ये जो सारे सिम्टम है कब होंगे विंटर सीजन हो सकता है गर्मी के मौसम में इनके हाथ इतना ज्यादा रफ और क्रैक ना हो लेकिन विंटर में इनके जरूर क्रैक और रफनेस आपको देखने को मिलेगा टेंडरनेस ऑफ फीट विच आर बाथ इन फाउल स्मेलिंग स्वेट ठीक है इनके फीट में क्या होगा दुखन जैसी होगी मतलब थोड़ा सा भी टच हो जाएगा या कहीं भी चलेंगे फिरेंगे तो दर्द का अनुभव होगा विच आर बाथ इन फाउल स्मेलिंग स्वेट और क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत बदबूदार पसीना रहता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कुछ लोग हैं कि मान लीजिए कॉलेज से घर आते हैं या फिर अपनी जॉब से घर आते हैं या काफी देर तक वो बाहर रहे और फिर इसके बाद घर आके वो सॉक्स निकालते हैं अपने जूते निकालते हैं तो क्या होता है एकदम भीगा हुआ पैर रहेगा और बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना रहेगा मतलब हो सकता है पूरे घर में उनकी वो बदबू फैल जाए तो इतना ज्यादा ऑफेंसिव स्मेलिंग इनका फूट स्वेट होता है तो इनके पैरों में दर्द होगा फीट में और साथ में वहां पर क्या मिलेगा आपको फाउल स्मेलिंग स्वेट और कौन कौन सी मेडिसिन में सिम्टम है तो दिस सिम्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन ग्रेफाइटिस सैनिकुला और साइलिसिया फिर आते हैं हर्पीस ऑफ जिनाइटल ऑर्गन ठीक है जिनाइटल ऑर्गन में हर होगा एक्सटेंडिंग टू द पेरिनियम और थाई दिस सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन सेवरल टाइम इन द एग्जाम हर पीज आप जिनाइटल ऑर्गेन एंड एक्सटेंडिंग टू पेरिनियम पेरिनियम तक एक्सटेंड कर जाता है और ये हर क्या होगा वहाँ पर बहुत ज्यादा इचिंग होगा इसके साथ रेडनेस होगा स्किन क्रैक रफ एंड खुजलाने मतलब से हो सकता है वहाँ पर ब्लीडिंग जैसा भी हो जाए इट मे बी ड्राई और मॉइस्ट तो हर पीज जीनाइटल ऑर्गेन से एक्सटेंड करता है कहाजन तक है। हीट एंड बर्निंग ऑफ सोल्ड ऑफ फीट एंड पार ऑफ हैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग होगा जैसे आपने देखा होगा ना सल्फर के केस भी बहुत में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है उसके पाम में भी बहुत जलन रहती फील होता है पेशेंट को सोल में भी बहुत ज्यादा उसको जलन फील होता है ऐसे इसमें भी इसमें सोल में भी बहुत ज्यादा उसको बर्निंग सेंसेशन फील होगा और पाम में भी बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो रहा है और साथ साथ में हीट भी फील होगा हीट एंड बर्निंग ऑफ सोल ऑफ फीट एंड पाम ऑफ हैंड तो इसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन साथ में सेंगुनेरिया भी है इस सिम्टम में स्वेट एंड मॉइस्चर ऑफ एक्सटर्नल जिनाइटल ऑफ बोथ सेक्सेस बहुत ज्यादा स्वेट होगा मॉइस्चर होगा एक्सटर्नल जिनाइटिलिया में और ये फीमेल और मेल दोनों में प्रेजेंट हो सकता है कि बहुत ज्यादा वहां पर स्वेट हो अच्छा किस मेडिसिन में है कि स्वेट ऑन जिनाइटिलिया स्मेलिंग लाइक हनी

इसके साथ में रेडनेस होगा इचिंग होगा बहुत ज्यादा तो पेनफुल इचिंग चिल्डलेन है पेनफुल इचिंग चिल्ड्रेन एंड चार्प्ड हैंड एग्रवेशन इन कोल्ड वेदर और डिक्यूबिटस भी इनमें मिल सकता है तो चिल्डलेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन से रिलेटेड और भी कुछ मेडिसिन है हम लोगों के तो लेट्स चेक इट आउट फ्यू अदर मेडिसिन विच आर रिलेटेड विद मेडिसिन ऑफ चिल्ड्रेन इचिंग चिल्ड्रेन एगेरिकस इसमें ब्रैकेट में है मेन मेडिसिन इन कोल्ड वेदर पेट्रोलियम एक मेडिसिन और है जिस जिंकम मेटेलिकम उसमें भी चिल्डलेन का सिम्टम है तो क्या है उसका मेन सिम्टम पेनफुल चिल्ड एग्रवेशन फ्रॉम रबिंग पेनफुल चिल्ड फ्रॉम रबिंग मेटेलिकम तो ये कुछ चार मेडिसिन है जो कि आपको याद रखना है दैट इज एसोसिएटेड विद चेल बैन एब्रोटेनम एगेरिकस पेट्रोलियम और जिंकम मेटेलिकम सो द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ पेट्रोलियम इज सेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट द हर्ट दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम पेशेंट को अपने हर्ट रीजन में ऐसा लगेगा जिसे एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है कोल्डनेस अबाउट द हर्ट तो इसमें और कौन सी मेडिसिन है कार्बो एनिमेलिस कैलीम्यूर एंड ऑफ कोल्डनेस इन रीजन ऑफ हर्ट हर्ट रीजन में एकदम इनको ठंडा ठंडा फील हो रहा है रिलेशन में है इसके कि वन ऑफ और बेस्ट एंटीडोट फॉर लेट पॉइजनिंग ठीक है लेट पॉइजनिंग के लिए एक अपनी अच्छी एंटीडोट मेडिसिन जैसे बहुत सारे लोगों में लेट पॉइजनिंग होती है उसके बाद तरह तरह के सिम्टम आते हैं तो दिस इज वन ऑफ और बेस्ट एंटीडॉट फॉर लेट पॉइजनिंग के लिए मटीरिया मेडिकल में बहुत सारी और मेडिसिन है तो लेट्स और एंटीडोट फॉर लेट पॉइजनिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो की आपको याद रखना है जैसे वन ऑफ द चीफ एंटीडॉट फॉर लेट पॉइजनिंग अगर चीफ वर्ड है तो मेडिसिन है एल्यूमिना

अगर बेस्ट एंटीडॉट है तो आप इसको बीपी करके याद रख सकते हैं ठीक है बेस्ट एंटीडॉट के लिए कौन सा वर्ड है पेट्रोलियम एंटीडॉट फॉर लेट पॉइजनिंग कालीब्रॉम पैरालिसिस अगर होता है तो आपको याद रखना चाहिए कॉस्टिकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द पैरालिटिक कंडीशन तो ये कॉस्टिकम है और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट मोस्कटा तो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटीडॉट फॉर लेट पॉइजनिंग अब आते हैं द स्किन सिम्टम ऑफ वर्स इन विंटर बेटर इन समर दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कभी कोई आपके पास ऐसा मरीज आता है जो कि ये कहता है कि उसके स्किन सिम्टम है वो ठंडी में तो आ जाते हैं लेकिन गर्मी के समय में वो ठीक हो जाते हैं तो इसमें आपको दो मेडिसिन जरूर याद रखना है एल्यूमिनियम और पेट्रोलियम सप्रेस्ड कॉजेज डायरिया अगर इन स्किन सिम्टम को सप्रेस कर दिया जाता है तो इट विल लीड टू डायरिया एग्रवेशन है इनका किससे कैरिज राइडिंग से एग्रवेशन है जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि रेल है कार है शिप है किसी से भी इनका एग्रवेशन हो रहा था तो एग्रवेशन फ्रॉम पेरिज राइडिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म के समय में एग्रेवेशन है इनका इन विंटर में एग्रेवेशन एग्रेवेशन इन विंटर तो विंटर से रिलेटेड और कुछ मेडिसिन है जो कि हम लोग देख लेते हैं यहीं पर जिनमें कि इस तरह के सिम्टम्स दिए हुए हैं जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कुछ लोगों को जब भी विंटर होता है तो स्किन से रिलेटेड कंप्लेन होती है कुछ लोग होते हैं जिनको खांसी आने लगते हैं विंटर के समय में कुछ लोग हैं जिनको डायरिया हो जाता है तो डायरिया हो रहा है खांसी हो रहा है अस्थमा हो रहा है स्किन रिलेटेड कंप्लेन हो रहे हैं तो अलग अलग सिम्टम में अलग अलग मेडिसिन हो जाते हैं तो लेट्स सी अबाउट डिफरेंट सिम्टम फॉर डिफरेंट मेडिसिन हेडक रिटर्निंग एवरी वि मेडिसिन इजमत अगर किसी को हर विंटर में हर सर्दी के मौसम में हेडअ होने लगे दैन दिस इज द इंडिकेशन फॉर बिमत स्किन कंप्लेन एवरी विंटर मेडिसिन पेट्रोलियम द स्किन सिम्प्ट ऑफ वर्स इन विंटर एंड बेटर इन समर द मेडिसिन इज पेट्रोलियम एंड एल्यूमिनियम कफ रिटर्न एवरी विंटर मेडिसिन सोराइनम रेडली कैच कोल्ड इन विंटर द मेडिसिन इच अमोनियम कार मैनी कम्प्लेन कम ऑन ओनली इन डिजीजे मेडिसिन मर्क्यूरियस इच एपियर इच ईयर एच विंटर अप्रोच जैसे ही विंटर आते हैं पेशेंट को खुजली स्टार्ट हो जाती है देन मेडिसिन सोराइनम एंड एलोसोटे ड्राइ टेटरी पेट्रोलियम एंड हेडक इन समर देन मेडिसिन मेडिसिन विच आर रिलेटेड विद विंटर सीजन तो आपको ये सब डिटिफ्रेंसिएशन के साथ में याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम आई मीन लेसन इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो पेट्रोलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन स्पेशली स्पेशली फॉर द सिमटम विच आर रिलेटेड विद स्किन एंड गैस्ट्रिक ट्रबल उनसे रिलेटेड जो सिमटम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन है सर्दी के समय में इसके सारे जो सिम्टम है वो बढ़ जाते हैं सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट पेट्रोलियम थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर टूडेज क्लास थैंक यू